हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एलसीएम और एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में एलसीएम, इसको शॉर्ट में एचसीएफ। ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट आप स्टेप वाइज समझिए, फिर इसमें क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, सभी के लिए, बच्चों से लेकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो देने वाले हैं उन सब के लिए इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। हमने टू की टेबल लिखी है, मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, यहां रखिए इसको समझने का कॉन्सेप्ट है। टू की टेबल लिखी है, टू टू जा फोर, सिक्स एट टेन ट्वेल्व 14, 16, 18, 20, 22, 24, so on up to आगे तक। 3 की टेबल भी लिखी हमने, 3, ये सब मल्टीपल्स हैं, इन्हीं को मल्टीपल्स कहते हैं। ये जो पहाड़ा है, हिंदी में हम इसको पहाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स, जिसको टेबल कहते हैं आप। तो ये मल्टीपल्स जो है, यही जो मल्टीपल्स हैं, ये पहाड़ा, इसमें आप ध्यान देना है आपको कि टू के मल्टीपल्स ये हैं और थ्री के मल्टीपल्स ये हैं। अब इसमें ये तो मल्टीपल्स हैं भाई, सिंगल नंबर के मल्टीपल्स हैं, सिंगल नंबर थ्री के मल्टीपल्स हैं, ठीक हो गया। अब इसमें कॉमन जब बात आएगी तो कॉमन क्या होगा, दो या दो तीन में से, या दो से अधिक में से, दो में से या दो से अधिक में से। यहां पर दो नंबर है, एक तो टू है और दूसरी थ्री है, तो टू और थ्री नंबर में जो कॉमन फैक्टर है, सॉरी कॉमन मल्टीपल है, वो कौन कौन से हैं, उनको यहां पर हम टिक कर देते हैं या गोल कर देते हैं। एक ये है और दूसरा, आगे देखते जाइए, एट नाइन टेन ट्वेल्व, ट्वेल्व ये है, और भी होगा आगे 16, 18, 18 भी है, और भी आगे होगा 22, 24 है, 24 है। तो इसमें मैंने आगे तक लिखा नहीं है, और भी आगे तक बहुत होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि टू के मल्टीपल्स जो है ये सब आगे तक अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे, और थ्री के मल्टीपल्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है सबको, हम नहीं समझने के लिए आप इतना सफिशिएंट है आपके लिए कि यहां पर भी सिक्स है, नीचे भी सिक्स है, और टू के टेबल में यानी टू के मल्टीपल भी ट्वेल्व है और थ्री का मल्टीपल भी थ्री का भी ट्वेल्व है, टू का मल्टीपल भी एटीन है और थ्री का भी एटीन है, टू का मल्टीपल भी ट्वेंटी फोर है और थ्री का भी ट्वेंटी। तो अब देखिए, ये तो मल्टीपल्स हैं, ये है कॉमन मल्टीपल्स। अब मैं इतने तक के लिए लिख रहा हूं, फिलहाल होंगे तो आगे तक, तो जो है उतना ही लिख रहा हूं। एक तो सिक्स हो गया कॉमन, दूसरा ट्वेल्व हो गया सेकंड, थर्ड हो गया एटीन और फोर्थ हो गया ट्वेंटी फोर, इस तरह से सो ऑन, ऐसे डिफरेंस में अब कैसे आएंगे। देखिए, ये जो मल्टीपल्स होते हैं इसमें आप एक सीक्वेंस देख रहे होंगे कि सबसे छोटा छह है, छह की टेबल पढ़ेंगे, छह दुनी बारह, छह तीन अठारह, छह चौक चौबीस, अगला क्या आएगा, छह पंजे तीस, फिर आएगा छह चक छत्तीस, आगे तक इन्फिनिटी तक, यानी सोन अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो अब ध्यान देना है कि ये कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, छह है। तो अब इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या बन गया, छह बन गया। तो हमने क्या क्या सीखे, एक तो मल्टीपल सीखे, दूसरा कॉमन मल्टीपल सीखा, तीसरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल सीखा, इतना ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ टू और थ्री थे, अब हमारे पास टू और थ्री ना होकर के 18, 24 और 30 है।
अब समझने की बात है बच्चों कि 18, 24 और 30 की टेबल बहुत इजीली नहीं आती है। इनकी तो हमको टेबल आती थी, हमने जो है कॉमन मल्टीपल भी लिख दिए और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख दिया, लेकिन इनकी टेबल हमको सभी को नहीं आती है। मतलब इसको समझना कठिन है कि भाई हर बड़ी नंबर का टेबल जरूरी नहीं है कि सबको आए, तो उसके लिए क्या मेथड अपनाई जाती है वो तरीका बताता हूँ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी काम करेगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, इसके मेथड्स देखिए। नंबर है हमारे पास, नंबर है, नंबर क्या है, 18, 24 और 30। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 18, 24 और 30 ये लाइन खींच दीजिएगा और ये लाइन खींच दीजिएगा। अब क्या करें, यहां लाइन खींचिए, इन तीनों में किसी संख्या का भाग जाता है या किसी में भी इसके फैक्टर करते जाओ, दो का भाग जाता है, चलो दो का भाग दे दो, तीनों में नहीं भी जाता है, जिसमें जाता है उसमें दे दो, दो का भाग 18 में 9 टाइम गया, दो का भाग 24 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर अब देखिए इसमें 3 की से डिवाइड होता है, 3 से होता है ये हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 से हो रहा है, जिससे हो रहा है दे दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी बड़ी से मतलब है, ये डिवीजन करने से मतलब है आना उतना ही। 3 से 3, 3 जा और 3, 4 जा और 3, 5 जा, ये आ गए। अब जब तक एक नहीं आता तब तक करते जाएंगे, इसमें 3 है, 3 से दे दो 1, इसका भाग इसमें नहीं जाता है तो उसको वैसे ही उतार देते, और इसमें भी नहीं जाता है तो इसको भी वैसे ही उतार। अब 1 आ गया, 1 की जरूरत नहीं हमको, 4 के लिए देंगे 2 का टेबल, 2 से देंगे, 1 जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, 2, 2 जो हो गया और 2, 5 नहीं जाता है तो 5 भी लिख दो। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से 2 से 2, 1 जा, 2, 1 जा और 2, 5 जा, फिर अब क्या बचा, 5 से जाएगा, 1 जा और 1 जा, बस 1, 1, 1 आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा आप, इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ, ये इजिकल टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इजिकल टू, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, 2, 3 जा 6, इजी मेथड में करिए, 5, 2 जा 10, 10, 2 जा 20, 20 हो गया, और इसको भी करिए, ये तो आ गया 20 इंटू 3, 3 जा 9, 2 जा 18, इससे इजी रहेगा ना मल्टीप्लाई करना, देख ऐसे करोगे तो लंबा हो, इजीली करो, जिसमें 5 से मल्टीप्लाई हो तो उसमें 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, अब इजी क्या हो गया, 18 2 जा 36 हो गया और ये 0 आ गया, बस ये बन गया आपका 360 आ गया। वैसे देखिए कितना हो गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये 60 हो गया, 3 जा 6, 3 18, 180 और 360, 360 इसका जो है आपका एलसीएम आ गया, ये समझ में आ गया होगा। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड भी बता देते हैं, इसी में पूरे तरीके से देख लीजिएगा, जो मेथड आपको अच्छी लगती है वो मेथड अपनाइए, क्योंकि कभी कभी हर मेथड आनी चाहिए, गणित पढ़ने वाले बच्चे मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो ये नहीं कि काम चलाओ से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 18 नंबर है, 18,
24 और 30, इनके फैक्टर कर दो भाई, या खड़े करके, सबसे अच्छा ये है खड़े कर। 18 और 24 और 30, इसके फैक्टर कर दो, कितना हुआ? 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 इधर, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 इधर, 3 1 जा, 0, 2 5 जा, फिर 5 1। ठीक हो गया। अब आप ये ध्यान देना है आपको कि जरूरी नहीं है कि भाई 2 पहले ही लिखा जाए, 3, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है इससे। जो इजीली जिसमें आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे कट रहा है तो उसे भाग दे दो बस। अब क्या करते हैं इसमें एलसीएम में, जो इसमें कॉमन होते हैं, जैसे वही बात आ गई, जो कॉमन है, जैसे यहां पर हमने करे थे ना कॉमन, कौन कौन है कॉमन देखो, इसमें 2 है, 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, लिख दो 2, तीनों में कॉमन 2 है। उसके बाद कौन है भाई, 3 है, 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, यहां पर भी 3 है, 3 3 और ये भी 3, ये भी 3 है, इसको भी ले लो। उसके बाद अब आगे देखो, एक 3 यहां बचा, यहां नहीं बचा, यहां भी नहीं बचा। अब कोई कॉमन इसमें नहीं लग रहा, ध्यान देंगे आप, अब समझना है आप, उस मेथड में वो मेथड ज्यादा इजी है, इस मेथड और उस मेथड में इतना ही अंतर है। 2 और 3 जो तीनों में कॉमन थे वो ले लिए। अब कोई 2 में कॉमन है, नहीं है, 2 में भी नहीं है, तो अब जो बचे हैं, जो बच गए उन सब को ले लो। ये 3 बच गया, यहां से 2 बच गया, यहां से 2 बच गया, और यहां से 5 बच गया, बस आ गया। ठीक समझ में आ गया। अब देखिए, 5 2 10, 10 2 20, 23 जा 60 63 जा 6 3 18, 180, 182 जा 360। ये आ गया एलसीएम आपका, उस उतना ही आया जितना पहले आया। तो जो मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप बना सकते हैं, वो ज्यादा कम स्पेस घेरने वाली, ये भी कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या करते हैं, सभी में पहले कॉमन देख लेते हैं, सब में कॉमन देखते हैं, उसके बाद तीनों में जो कॉमन नहीं है तो फिर 2 में कॉमन देखते हैं, 2 में भी कॉमन नहीं है जो, तो जो बच जाते हैं उन सबको यहां पर उतार दिया जाता है और सबको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, 2 2 2 सब में था, ले लिया एक, ये 2 लिया, 3 3 3 था, सब में ले लिया, ये ले लिया। अब इनमें 3 जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 को ले लिया। अब ध्यान देंगे, 2 इसमें, इसका तो ले लिया हमने, ये तो ले लिया, ये ले लिया, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ले चुके पहले, ये फालतू है, तो इस 2 को भी ले लिया, ये देखो, और ये 2 कहीं नहीं है, इसको भी ले लिया। उसके बाद यहां पर 5 है, ये 5 इनमें कहीं नहीं है, 5 ले ले, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एलसीएम आ गया, दिस इज एलसीएम आंसर। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब इसको जो है, चलिए कोई इसको रहने दीजिए, यहां पर आप समझना है फैक्टर। अब एचसीएफ की ओर चले जाए, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एचसीएफ में सबसे पहले हम फैक्टर को जाने, इसका कॉन्सेप्ट समझा पहले, फैक्टर। तो फैक्टर किसके, 20 और 30 के ले रहे हैं। फैक्टर मींस होता है छोटे गुणनखंड जिनको कहते हैं, उनके भाग, खंड, टुकड़े, यानी 20 के टुकड़े क्या क्या हैं, इतने टुकड़े बन सकते हैं, और 30 के टुकड़े ऐसे बन सकते हैं, 20 के वो टुकड़े यानी वो पीस जो जिनसे 20 डिवाइड होता है, 30 के वो टुकड़े यानी वो पीस या वो नंबर जिनसे 30 डिवाइड होता है, तो ये फैक्टर कहलाते हैं। यहां पर देखो, ये तो पहाड़े थे, ऊपर की ओर जा रहे, ये नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा,
इनके हेक्टर हैं, इनके ये पहाड़े हैं, दोनों में अंतर है। देखिए ये बड़े बड़ा बड़े की ओर जा रहे हैं, ये छोटे की ओर ले जा रहे हैं, हम 20 से नीचे की ओर ले जा रहे हैं। यानी इसमें 20 यानी 20 20 10 5 4 2 1 नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इसके फैक्टर हुए, ये भी फैक्टर। अब ये तो फैक्टर हो गए, ठीक हो गए। जिनको हम कहते हैं, इनको अपवर्त्य कहते हैं हिंदी में, इनको अपवर्तक कहते हैं। फैक्टर मीन्स अपवर्तक, ये भी जानना चाहिए आपको। अपवर्तक ये शब्द भी आनी चाहिए, आए तो और अच्छा है। इनको अपवर्त्य कहते हैं, अपवर्त्य, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर हमने लिखे हैं इनमें दोनों में कौन कौन है वो कॉमन हुए। एक तो एक है, एक है, और कौन है भाई, दो इसमें नहीं है, चार इसमें नहीं है, पांच, हाँ पांच है, पांच, और कौन है, दस है, यहाँ छह है, ऊपर नहीं है तो दस है, दोनों में है, बस इतने ही है। बीस इसमें है तो इसमें नहीं है, पंद्रह इसमें है तो वहां, ठीक हो गया। तो फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन आए, एक तो वन आ गया, एक फाइव आ गया, और एक आ गया आपका टेन। और भी आएंगे इसमें, और भी आएंगे इसमें, सॉरी नहीं, और कहां से आएंगे, तो मल्टीपल की बात, बस इतनी आए, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें तो अनंत तक जाएगा, ये जो है खत्म हो गया। ये वन फाइव टेन, तीन फैक्टर कॉमन है। देखिए कॉमन फैक्टर आ गए। क्वेश्चन ये कहता है कि एच सी एफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो था लीस्ट यानी सबसे छोटा। यहां पर इन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है, टेन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया हमारा, ये टेन आ गया। समझ में आ गई बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, टेन आ गया। और यही जो है आपका एस सी एफ, इसी को एस सी एफ कहते हैं, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एस सी एफ। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं, देखिए जैसे हमने 18, 24 और 30 के एलसीएम निकाले थे, तो बिल्कुल इसी स्टाइल में इसका एस सी एफ निकालते हैं। तो एस सी एफ निकालने के लिए इसके भी दो मेथड हैं, दोनों मेथड बताऊंगा। पहला तो फैक्टर करो, पहले तो फैक्टर कर लो, बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर कर लो जी, 18 के फैक्टर कर दो, और 24 और 30 इनके फैक्टर कर दो जी, 2 से 9, 2 से सॉरी 3 से 3, 3 से 1, यहां पर 2 से, चलो ऐसे लाइन खींचता हूं, यहां पर 2 से 12 आ गया, 2 से दिया फिर 6 आ गया, फिर 2 से दिया 3 आ गया, 3 से दिया 1, लास्ट 1 तक फैक्टर करो। इसका फिर से 3 से दिया था हमने, वहां पर भी एक ही बात है, 3 से कितना, ये आ गया 10, 2 से 5 और 5 से फिर 1। तो ये फैक्टर कर दिए, भाग दे दिए, जिससे जिससे जो डिवाइड हो रहा था उससे हमने फैक्टराइज कर। अब क्या करें, अब हमको क्या करना है, यहां अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां पर नई चीज है, ये ध्यान देना है कि जो तीनों में फैक्टर है कॉमन, जो तीनों में है, हमने जैसे यहां पर दोनों में जो थे ना, जो दोनों में जो थे उनको लिया था और सबसे बड़े को लिया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एस सी एफ, एस सी एफ इजिकल टू आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन है, टू है, टू है, बिल्कुल है, यहां देखिए थ्री है, थ्री है, है थ्री, बिल्कुल है, और यहां भी है थ्री, 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 सॉरी ऊपर वाला पहले ले लो, पहले ऊपर का ले लेना जी, हाँ ये वाला,
ठीक हो गया, 3 3 3 हो गया, इंटू 3 कर दो। अब ध्यान दे रहे हैं आपको, 2 3 है, यहां पर भी 3 है और इधर भी 3 है, इतना ही है। तो ये कितना आ गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6, 6 ही हुआ। और तो कोई कॉमन है ही नहीं, 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, ये 2 है यहां नहीं है उधर भी नहीं है, ये 2 इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, ये 5 यहां है तो यहां भी नहीं कहीं। तो बस हो गया, जो तीनों में कॉमन है, याद रखना है इसमें, यहां जो तीनों में कॉमन है केवल उन्हीं को लेंगे, 2 और 3, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 जो है ये एचसीएम। अब देखो इसका ध्यान देना है आपको, 6 का भाग इसमें जा रहा है ना, देखो 6 3 18, 3 बार गया, 6 चौके 24, 6 5 30, यानी इससे ये क्या हो जा रहा है, ये मतलब इनका फैक्टर है, और कैसा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया, तो एक तो मेथड ये, एक सेकेंड मेथड और फिर बताते हैं उसको भी, वो जो है बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चन में काम आती है। बताइए सबसे छोटी संख्या कितनी है, 18, 18 है, 18 उससे बड़ी संख्या है 24, ये ध्यान दीजिए, 18 का भाग 24, 24 में देते हैं या किसी में भी दे दो, बड़ी में देना है, ये ध्यान रखना है, इसका भाग इसमें देना है, तो कितना आ गया, या 30 में दे, सबसे अच्छा ये करो, छोटा तो हो ही जाएगा, 24 का 30 में दे दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 24 बन जा 24, ठीक हो गया, 24 से इसमें दिया तो अब क्या आया, 6 आ गया, शेष बचाना ये रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 है, इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 6 चौके 24 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 कुछ नहीं बचाना, पूरी टाइम जहां पर हुआ तो जिस नंबर से पूरी टाइम हुआ, अब उस नंबर से एक नंबर और बची है हमारी, कौन सी, 18, तो 6 से 18 को भी दो, 18 को भी दे दो भाई, 6 3 जा 18, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये वन टाइम हुआ, इतना आया रिमाइंडर से, फिर इसको किया, अगर नहीं होता तो जो रिमाइंडर आता उससे फिर इसको करते, नहीं होता तो फिर जो रिमाइंडर आता उससे फिर उसको करते, जो यहां पर डिवाइजर है, तो 6 से ये भी हो गया और 6 से ये, इट मीन्स ये हुआ SCF, बराबर कितना आ गया, कितना, ये SCF जो है 6 है, तो ये SCF पहले भी उतना ही आया था और इस मेथड से भी इतना ही आया है, 18 से भी दे सकते हो, 18 से 30 में भी दे सकते, किसी में भी, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में किसी में भी, बस ये तरीका है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा हम कठिनाई की ओर चले जाएं, तो इसको मैं पूरा इसको पॉज करके देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको पूरा रफ कर दे, हाँ, ये जो है लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ये ध्यान रखना है, दोनों का नाम जो है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में। चलिए जी, अब सवाल है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ सभी प्रकार के एक एक क्वेश्चन बता देते हैं, तो एक क्वेश्चन है एलसीएम वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ
थ्री अपॉन फाइव, अब फैक्टर वाला है तो सॉरी क्या कहते हैं फ्रैक्शन भिन्न है, ये भिन्नात्मक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, इनका भी आपको आना चाहिए, वो तो सीधे तो सबको ही आ गया वन अपॉन एट। इसी तरह से यहां पर भी फाइंड द एस सी एफ ऑफ थ्री अपॉन फाइव, फाइव अपॉन सेवन एंड वन अपॉन एट। ये तो इसका और इसका दोनों का एलसीएम भी निकालते हैं और एससीएफ भी निकालते हैं, तो इससे क्लियर हो जाए। अब ध्यान देना है, जिस भिन्न का एलसीएम निकाल, जिन भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो उनके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एससीएफ निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा तब निकलता है। इसका तो एलसीएम निकालेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एससीएफ निकालेंगे। तो अब न्यूमरेटर क्या क्या है निकालो जी, एलसीएम निकालो, थ्री फाइव वन है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो वन वन ही है उसको छोड़ दो, थ्री से डिवाइड करो वन, और ये नहीं जाता है तो फाइव ही लिख दो, इसको वन ही लिख दो, फिर फाइव से करो वन और वन और वन। अब देखिए तो एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया, इसको मैं थोड़ा सा यहां देख, एलसीएम इजिकल टू आ गया थ्री इंटू फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, थ्री इंटू दोबारा लिख देते हैं थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन। अब एससीएफ किसका निकालना, डिनोमिनेटर का एससीएफ काम, फाइव सेवन एट, फाइव सेवन एट, फाइव सेवन एट में ध्यान दीजिएगा, फाइव सेवन एट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम होता है, फाइव वन जा सेवन वन जा और ये टू टू जा नहीं टू फोर जा टू टू जा टू वन जा। तो और ध्यान देना है कि एससीएफ निकालने के लिए हमने क्या कहा था, तीनों में कॉमन होना चाहिए, फाइव इधर है इधर नहीं है इधर नहीं है, सेवन इधर है इधर नहीं है इधर नहीं है, तो एट इधर है इधर सॉरी एट कह रहा टू इधर नहीं है इधर भी नहीं है, ये टू इधर भी नहीं है इधर भी, ये टू इधर भी नहीं है कहीं नहीं, तो कौन है फिर। अब यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, वन होता है, जहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो उनमें कॉमन कौन होता है, वन होती है, क्योंकि ये देखो वन, वन से वन वन जा, वन से वन वन जा और इस वन से वन, ये देखो वन वन और तो एससीएफ वन। तो इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया, वो आ गया न्यूमरेटर में कितना आया था 15, डिनोमिनेटर में कितना आया 1, तो इसका जो एलसीएम है वो 15 आ गया, आंसर क्या हो गया 15 हो। ध्यान दीजिएगा किसी भी भिन्न भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम बट्टे डिनोमिनेटर का एससीएफ निकाल करके तब एलसीएम निकलता है पूरी भिन्न का, तो ये 15 आ गया, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां एससीएफ में चले, इसमें क्या होता है एससीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एससीएफ क्या कहेंगे, न्यूमरेटर का एससीएफ, न्यूमरेटर का एससीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये ध्यान दीजिएगा ये ऐसे निकालते हैं, तो न्यूमरेटर का एससीएफ निकालो जी, एससीएफ कैसे निकाला हमने, ये फैक्टर करे हैं, चलो यहीं पर कर फिर से कर लो,
के, तीन पांच और आठ, सॉरी न्यूमरेटर का क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है, न्यूमरेटर में तीन और पांच ही, तो तीन एकम तीन, एक एकम एक हो गया, छोड़ दो एक नहीं भी निकाल तो कोई बात नहीं, पांच एकम पांच हो गया, एक एकम एक हो गया, चलो ठीक हो गया। तो अब यहाँ एस कितना है, एक एक है इसलिए किया था, एक एकम एक हो गया। तो इसका हमने क्या कहा, एस सी एफ, एच सी एफ कितना आ गया, एस सी एफ इसका 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 एस सी एफ कितना आ गया, कोई भी कॉमन नहीं है, बड़ी नंबर वन वन और वन ही है, तो वन आ गया, ठीक हो गया। अब इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, तो फाइव सेवन और एट का एलसीएम निकालिए, चलिए तो कितना, फाइव वन जा सेवन, कितना हो गया, फाइव सेवन, सेवन नहीं गया, ये भी नहीं गया, इसमें फिर सेवन से दे दो वन वन और एट, फिर आप टू से दो, एट ही बचा है, टू से दो वन वन फोर, टू से दो वन वन टू, फिर टू से दो वन 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 आ, तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू आ गया टू टू जा फोर टू जा एट, आठ पंचे चालीस, चालीस सत्ते सात चौको अट्ठाईस, दो सौ अस्सी, कितना हो गया 280, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, पांच दुनी दस दुना बीस दुना चालीस सत्ते चार सत्ते अट्ठाईस, 280, तो इसका जो एस सी एफ आया वो एस सी एफ आ गया, एस सी एफ कितना आया, ऊपर का एस सी एफ वन, यानी न्यूमरेटर का एस सी एफ निकाला वन, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला 180, तो ये आपका फाइंड द एस सी एफ ऑफ दिस दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 100, 1/180, ये आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम और एससीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एससीएफ, और एससीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एससीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके उसका टोटल एससीएफ या एलसीएम या एससीएफ निकालता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन और,